हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 18 और ये आपके चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के कंटिन्यूशन में ये क्लास है और टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। क्लास नंबर 17 में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब एक मैनेजर को कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी जाती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब वो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है एग्जीक्यूट करने के लिए उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, तो मैनेजर क्या करता है, अब पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है। तो जब एक मैनेजर अपने काम को पूरा कराने के लिए पॉलिसीज़ को पूरा कराने के लिए जब वो अपने सबॉर्डिनेट्स को पावर देता है अपने अकॉर्डिंग, जितनी पावर एक एम्प्लॉई को एक सबॉर्डिनेट को ज़रूरत है, तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। जब हम उस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंशन कर देते हैं, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉई को जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो वो होता है डेलीगेशन। लेकिन जब टॉप लेवल से अथॉरिटी जब मिडल लेवल और लोअर लेवल सभी लेवल्स पर अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है ताकि सभी मैनेजर्स टॉप लेवल तक कि सभी मैनेजर्स जो मिडल लेवल पर हैं फंक्शनल एरिया पर हैं और जो लोअर लेवल पर जो मैनेजर्स हैं सभी अपने अपने पार्ट पर डिसीजन ले सकें। मतलब कहने का ये है कि जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंशन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, मतलब सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर और सभी लोअर लेवल मैनेजर को जब अथॉरिटी दी जाती है कि आप सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स अपने अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग अपने अपने डिसीजन खुद लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है और डेलीगेशन का नैरो होता है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो पर्टिकुलर एक मैनेजर के द्वारा एक सबॉर्डिनेट को दी गई एक पावर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है टॉप लेवल के द्वारा जो जितनी भी पावर टॉप लेवल के पास है जब वो अपने नीचे काम करने वाले जितने भी लेवल्स होते हैं मैनेजर लेवल होते हैं उनको जब उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें पावर ट्रांसफ़र की जाती है तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू द ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं मिडल लेवल लोअर लेवल हर लेवल पर जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको जब पावर का ट्रांसफ़र किया जाता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट उसे अपनी इच्छा से देता है। अगर टॉप मैनेजमेंट का किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई अथॉरिटी देने का मन नहीं है तो वो नहीं भी दे सकता, लेकिन टॉप मैनेजमेंट जब चाहेगा जब उसकी इच्छा होगी तो वो उसे दे सकता है, अपनी पावर का ट्रांसफ़र कर सकता है मिडल लेवल पर भी और लोअर लेवल पर भी। लेकिन डेलीगेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि मैनेजर अगर अथॉरिटी का डेलीगेशन नहीं करेगा तो जो उसका सबॉर्डिनेट है वो केयरलेसली काम करेगा, लेकिन जो टॉप लेवल होता है अगर उसको लगता है कि भाई कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसके पास जो पावर है वो उसे पावर देना नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का काम मैं खुद संभाल लूँगा, इसकी पावर देने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं पावर को वो सेंट्रलाइज भी कर सकता है। वो ऐसा होता भी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स की पावर जो होती है वो टॉप लेवल अपने पास रखता है और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर को दे देता है। तो इसीलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर, उसमें डिस्क्रिशन पॉइंट चलता है कि अगर टॉप लेवल की मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करना चाहती है अथॉरिटी का तो कर सकती है, नहीं चाहती तो नहीं भी कर सकती, तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में टॉप टू बॉटम आपका पावर का ट्रांसफ़र होता है ऊपर से नीचे की तरफ। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, तो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में पावर का जो कैप्चर होता है वो सारा का सारा पावर का कैप्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखती है, सारे डिसीजन खुद लेती है और सिर्फ पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैनेजर को दे देती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, उसका ट्रांसफ़र नहीं करती है अथॉरिटी का, तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे काम करने वाले जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया, टॉप लेवल से फंक्शनल डिपार्टमेंट पे जो हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट है HR प्रोडक्शन और फाइनेंस, इनको ग्रांटिंग अथॉरिटी पावर दे दी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में डिसीजन लेने की जो उनको काम दिया गया, और साथ के साथ मैनेजर ने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे एक डिपार्टमेंट और आता है सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट, जो फैक्ट्री एरिया में सुपरवाइज करता है कि प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो जो सुपरवाइज़र है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया, ग्रांटिंग दे दी, अथॉरिटी दे दी कि मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ
फैक्ट्री एरिया में सुपरवाइज़ करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं सभी लेवल्स पर नीड के अकॉर्डिंग टॉप लेवल क्या कर रहा है, ग्रांटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी को ग्रांट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो डेलीगेशन में हमने अथॉरिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी पढ़ा था वो एक नैरो कॉन्सेप्ट के वे में पढ़ा था, बहुत छोटा छोटे रूप में पढ़ा था। सिर्फ एक ही मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को किस तरीके से अथॉरिटी दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग दी जा रही है। तो यहाँ पर जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो एक्सटेंशन फॉर्म में, एक्सटेंडिंग फॉर्म में। तो जब डेलीगेशन अथॉरिटी का एक्सटेंशन फॉर्म बोला जाता है तो हालांकि यहाँ पर जो हम ग्रांटिंग अथॉरिटी जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी डेलीगेशन है, लेकिन यहाँ पर डेलीगेशन अथॉरिटी जो हो रही है वो एक्सटेंशन फॉर्म में हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर, टॉप लेवल से मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक जा रही है। तो इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये पावर का ट्रांसफ़र ना होता, ग्रांटिंग अथॉरिटी नहीं होती और ये सारी की सारी पावर मैनेजिंग डायरेक्टर अपने पास रखता तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। तो अल्टीमेटली अगर डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच में अगर हमें कंक्लूजन देना हो कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, पावर सारी की सारी टॉप मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए या पावर का ट्रांसफ़र नीचे मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल डिपार्टमेंट पर हो जाना चाहिए, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और ना ही डिसेंट्रलाइज हो सकती है। एज इट ग्रोज़ इन साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ लेवल्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ के बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए विद सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्पॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड जो पावर हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से रिलेटेड जो पावर हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसिंग सेट करना, गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन सेट करना, तो ये जो जितने भी प्लानिंग के काम हैं, पॉलिसीज बनानी है, जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग का काम देखना या फिर आपका ऑब्जेक्टिव सेट करना, तो ये सारी पावर जो होनी चाहिए वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस्ड डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए पावर का। इन द एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन, जहाँ भी जो मेजर पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड जो आपके डिसीजन, जो अथॉरिटी है, वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमेशा अपने पास रखनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। एक डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चारों तरफ एम्प्लॉइज़ हैं और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने सारी पावर अपने पास रखी हुई है। और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बीच में नहीं है, उसने ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन बीच में है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, सारी पावर अपने पास रख रही है और सबको ऑर्डर दे रही है। और यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में क्या है कि एम्प्लॉइज़ को छोड़ दिया गया, ये बोला गया कि आपको हम सब पावर दे रहे हैं और आपने अपने आप डिसीजन लेना है, हम आपके जो वर्किंग एरिया है हम उससे बाहर जा रहे हैं, सब डिसीजंस आपने लेने हैं, पूरा वर्किंग ऑपरेशन आपने संभालना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग इंडिविजुअल पावर, एक इंडिविजुअल पर्सन को, जो भी मैनेजर्स हैं लोअर लेवल या आपके मिडिल या आपके लोअर लेवल पर, उनको पावर का वेस्टिंग करना, पावर ट्रांसफ़र करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एंटिटी, और एक एंटिटी में जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और साथ के साथ पावर देना, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होने से, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी सारी अथॉरिटी जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर या फिर आपके लोअर लेवल मैनेजर को देनी होती है वो देकर वो अपने बर्डन को रिड्यूस कर देती है, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव सेट करना, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट सेट करना या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना या डेवलपिंग प्रीमाइसेस सेट करना, ये सारे डिसीजंस पे वो अपनी क्वालिटी दिखा पाती है, क्वालिटी मेंटेन कर पाती है, डिसीजन अच्छे से ले पाती है। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज़ और डाइवर्सिफाइड करनी है और डिपार्टमेंट्स बनाने हैं तो आप आसानी से डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपका बर्डन कम हो जाता है अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करने से। डिसेंट्रलाइजेशन इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर पर्सन, अगर आप अपने मैनेजर्स पे भरोसा करके, विश्वास करके आप उन्हें पावर दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मैनेजर पर्सनल हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, वो अपने आप डिसीजन लेने से
उनकी नॉलेज बढ़ती है, इनिशिएटिव लेने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। डिसेंट्रलाइजेशन इंप्रूव मोटिवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सब जब सभी के पास पावर लेने की डिसीजन लेने की पावर होगी तो ऑटोमेटिकली जब पावर हाथ में होती है तो अपने आप वो पावर आपको मोटिवेट करती है, आपको आपको स्ट्रेंथ देती है किसी भी काम को करने की। डिसेंट्रलाइजेशन मेक डिसीजन मेकिंग क्विकर एंड बेटर। जब आप सारी पावर अपने मैनेजर को दे देंगे तो मैनेजर अपने पार्ट पर ही सारे डिसीजन लेगा, और जब भी उसे जहाँ भी कोई भी चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी या डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे बार बार क्वेरी नहीं करनी पड़ेगी, बार बार उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछना नहीं पड़ेगा, तो डिले इन वर्क नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, जो डिसीज़न होगा वो जल्दी से जल्दी लिया जाएगा, उसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि जब पावर आपके हाथों में होगी तो डिसीज़न आप जल्दी से जल्दी ले लेंगे, उसमें किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग। डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए जब मैनेजर के पास पावर आती है तो उस पावर के जरिए वो अलग अलग तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता है, अपने साइंटिफिकली मेथड्स को यूज़ करता है किसी भी काम को, अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से काम को करने की कोशिश करता है, और उसे पावर के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए एक मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो काम करते समय बहुत कुछ सीखे। तो ये थे आपके डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस। लेकिन मेन एडवांटेज में ये ध्यान रखना कि डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज सबसे ज़्यादा जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को होता है, कि उनका बर्डन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है पावर को ट्रांसफ़र करने के बाद, और जो कंट्री जो कंपनी के मेजर टास्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, ठीक है, जिनसे कंपनी ग्रोथ कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, उन पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फोकस कर सकती है। देन उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, वी कैन से द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस क्लास में हमने डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा और कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पॉर्टेंट डिस्कस की। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.